अभी बस कुछ ही तो दिन बचा है, कुछ ही दिन बचा है। इन शब्दों को ना आप जहन में बिठा लो, कुछ ही दिन बचा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ ही दिन बचा है, 23 दिन बचा है, 23 से 24 दिन बचा है, बस कुछ ही दिन बचा है। अभी मॉक टेस्ट नहीं तो फिर हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ फिर से एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। वी ऑल नो दैट IBPS RRB हमारी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है और इसके लिए न जाने कितने सारे ऐसे लोग शिद्दत से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा एक कहावत है जो काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है, और वो कहावत नहीं बस कहने के लिए नहीं है, वो आप सोचेंगे ना तो इस कथन पे ना बड़ा वजन भी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस वक्त में आप TV देख रहे होंगे ना, जिस वक्त में आप गेम खेल रहे होंगे, जिस वक्त में आप वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, उसी टाइम में दिल्ली में बैठा हुआ एक लड़का कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट लगा रहा होगा। उसका सिलेक्शन होगा या हम लोग का सिलेक्शन होगा, ये आपको डिसाइड करना है। ये देखिए, आपको मैं हमेशा क्यों कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट की बारी है, मॉक टेस्ट की बारी है। आप एक सवाल अपने आप से पूछिए कि अभी मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? कौन सा ऐसा समय है, कौन सा आपके हिसाब से एक टाइम है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए? मैं पर्सनली आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी बस कुछ ही तो दिन बचा है, कुछ ही दिन बचा है। इन शब्दों को ना आप जहन में बिठा लो, कुछ ही दिन बचा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ ही दिन बचा है, 23 दिन बचा है, 23 से 24 दिन बचा है, बस कुछ ही दिन बचा है। अभी मॉक टेस्ट नहीं तो फिर कब मॉक टेस्ट? और अभी अगर एक भी मॉक टेस्ट नहीं तो फिर कितना मॉक टेस्ट? अभी से अगर आप एक एक मॉक टेस्ट भी देंगे, एटलीस्ट वर्स्ट के सिनेरियो बता रहे हैं, अगर उतना भी नहीं तो फिर कितना? कई लोग मेरे को सवाल पूछ रहे थे कि सर ठीक है सर, आप तो बताते हमेशा आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या होना चाहिए, अभी कितना मार्क्स आपके हिसाब से सर आना चाहिए कि एक बंदा सही ट्रैक में जा रहा है? देखिए, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी बस जब 22-23 दिन बचा है, कुछ लोगों के लिए 80 में से अभी बस 50 ही आ रहा होगा। IBPS RRB क्लर्क की बात कर रहा हूँ, प्रेज्यूम कर रहा हूँ कि पहला IBPS RRB क्लर्क होगा। कुछ लोगों का 50 चल रहा होगा अभी, कुछ लोगों का 40 चल रहा होगी, और कुछ लोगों को 70 तक पहुंच चुके होंगे कि सर अभी वो हैबिटेबल कौन सा है, अभी वो कौन सा वो मार्क्स है जो हम समझ जाएंगे कि अच्छा इतना आ रहा है तो फिर ठीक है, हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा होता और इस टाइम पे होता, अगर 22 या 23 दिन बचा होता, तो मैं ये प्रीअज्यूम कर ले रहा हूँ, पहले से ये अजम्पशन मैं लगा रहा हूँ कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, मेरे सारे भी जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे। मैं मान लीजिए मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ और बस प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, मैं ये अजम्पशन आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर रहा, बस प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, दैट इज़ मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, क्वांट पे ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं सिर्फ सेक्शनल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और मान लीजिए कि बस मेरा रिवीजन मेरा एकमात्र मॉक टेस्ट ही है। तो इस टाइम पे 22 से 23 दिन से पहले IBPS RRB क्लर्क की बात करें तो अगर आपकी मार्क्स 60 तक आ रही है ना तो फिर टेंशन लेने की कोई दरकार नहीं है। मतलब ये अजम्पशन मैंने क्यों दिया, इसीलिए दिया कि IBPS RRB क्लर्क एक ऐसा एग्ज़ाम है जो प्रैक्टिस के साथ आपके मार्क्स को बढ़ाते चलेगी, वो बढ़ाते चलेगा, वो देखिएगा एक टाइम पे जस्ट बिफोर 10 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन वो 80 तक भी आप छू लेंगे, और जब 80 तक छू लेंगे ना, प्रैक्टिस वहाँ पे धीमा नहीं करना है, प्रैक्टिस और बढ़ाना है और बढ़ाना है। अभी के लिए जो सिचुएशन है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डेली अगर 2 मॉक टेस्ट हो पा रहा है तो बिल्कुल दीजिए, उसी दोनों मॉक टेस्ट को शाम को रिवाइज बिल्कुल करिएगा। बिना रिविजन से आप सभी को सोना नहीं है, ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। मैं अगला एक वीडियो लाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा जस्ट 20 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन वो कितना होना चाहिए। और जो लोग IBPS RRB PO की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा अंतराल है नहीं, वो 7 दिन और जोड़ लीजिए, मेरे हिसाब से अगर उनका 40-45-50 के अंदर भी आ रहा है ना, 40 से 50 बीच भी आ रहा है ना, वो अच्छा है, कोई दिक्कत वहाँ पे घबराने की चीज़ नहीं है। एक और वीडियो लाऊंगा जस्ट 20 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन हमारे मॉक टेस्ट कितना मार्क्स आना चाहिए, जस्ट 15 डेज कितना आना चाहिए, जस्ट 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारा एक स्ट्रैटेजी जो होगा एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो आप इस चैनल को बिल्कुल फॉलो करिए, आंख बंद करके आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, मैं आपको अच्छा गाइडेंस ही दूंगा, मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो सकता है कैंडिडेट को कि किस तरीके से वो अप्रोच करे ताकि वो फेल ना हो, वो अपना 100% भी दे, मोटिवेशन की कमी ना हो और वो फेल ना हो, ये ख्याल मैं रखूंगा, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स को उनको प्रोत्साहन करने का कोशिश करूंगा,
मोटिवेट करने का कोशिश करूंगा और डेली वीडियोस लाके उन सभी को यह बतलाने का कोशिश करूंगा कि सिर्फ आप ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बाकी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं सब लोग एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपकी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हैं। अभी तक जो अभी सोच रहे हैं सर ये क्या चल रहा है, सर आप मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप फलाने की बात कर रहे हैं, ढिमकाने की बात कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कहां से दें, क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि गाइडली का मॉक टेस्ट खरीद लो। आप उनका कोर्स भी ले सकते हैं। देखो दिन में दो मॉक टेस्ट देना उसके बाद तो आपके पास प्लेंटी समय है। आप तो ऐसे नहीं कि दिन भर ऐसे ही आप बैठे रहेंगे, आप कहीं ना कहीं पढ़ने का तो भी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप रिवाइज करने का सोच रहे हैं, हो सकता है कि और वैरायटी क्वेश्चंस को देखने का कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि उस चैप्टर पे बेस्ड और क्या नया क्वेश्चन पूछ सकता है उस पे आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स गाइडली का ले लीजिए, जो कि सिर्फ बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे ना SFY12, आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ और मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। मैं ये एश्योरेंस आप सभी से फिर से मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ आखिर, लव यू, अपने क्षेत्र को ध्यान रखिएगा। नमस्कार।